आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शराब तस्करी गैंग के 11 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी तादाद में शराब का जखीरा पुलिस ने किया बरामद। हरियाणा की शराब की आगरा में करते थे सप्लाई। हरियाणा की शराब को उत्तर प्रदेश की ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर बेचते थे तस्कर। स्प्रिट मिलाकर बढ़ाते थे शराब की मात्रा। आगरा में शराब की दुकानों पर भी बेची जा रही थी मिलावटी शराब। चिन्हित की गई शराब की दुकानों के खिलाफ आबकारी विभाग करेगा कार्रवाई। ताजगंज पुलिस ने पकड़ा शराब का जखीरा। आगरा से जीशान अहमद की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारी सर्विलांस टीम को, थाना ताजगंज की टीम को और आबकारी की टीम को बड़ी एक सफलता प्राप्त हुई है। एक पूरा गैंग जो हरियाणा की शराब या स्पिरिट से अपमिश्रित करते हुए शराब बनाकर यूपी के जो ब्रांडेड बॉटल्स हैं उसमें रिफिल करके जगह जगह बेचने का ये पूरा गैंग आज गिरफ्तार किया है। कुल टोटल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनकी निशानदेही पे तकरीबन 1572 बोतल, 513 पौवा, 60,000 से ज़्यादा ब्रांड के ढक्कन और सील जो है बरामद हुए हैं। इसी तरीके से 20,000 विभिन्न ब्रांड के खाली बोतल और काफ़ी मात्रा में रैपर्स और QR कोड भी बरामद हुए हैं। ये सभी गैंग, इनके डिफरेंट पार्ट्स थे, जो कोई बोतल उपलब्ध कराता था ठेकों से या कबाड़ियों से, कुछ लोग जो है रैपर्स खरीद कर लाते थे, ढक्कन खरीद कर लाते थे, और कुछ लोग जो हरियाणा से अपने साथियों के माध्यम से वहाँ से लोअर क्वालिटी शराब या इथाइल अल्कोहल मंगवाकर, स्पिरिट मंगवाकर यहाँ शराब बनाते थे, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते थे और उसके बाद उसको उत्तर प्रदेश के जो ब्रांड हैं उसकी बोतलों में भरकर QR कोड रैपर लगाकर या तो दुकानों में अथवा गांव-गांव में इसकी बिक्री करते थे। इस पूरे गैंग को गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, वो भी ऐसे समय जब आसपास के जनपदों में जहरीली शराब या अपमिश्रित शराब से कई लोगों की जानें गई हैं। अच्छी सफलता। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।